लगाई है मोदी जी के व्यक्तित्व को लेके, उनके कृतित्व को लेके, इसमें बहुत सारी बातें हैं जिनसे हम भी अन्य विगत है वो दिखती हैं। मैंने इनको सजेस्ट किया है कि इसको एक बुकलेट के रूप में कार्यकर्ताओं तक पहुँचाएँ, ताकि निश्चित रूप से मोदी जी को देश के लोग भी जाने, क्योंकि दुनिया तो उनको जान गई लेकिन देश के लोग बहुत अंदर तक मोदी जी की भावनाओं को समझें और उस आधार पर सफाई से लेके, प्लास्टिक के बहिष्कार से लेके, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, वो दिव्यांगों की चिंता करते हैं, वो महिलाओं की चिंता करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक विराट समग्र दृष्टि वाला व्यक्ति आज देश में प्रधानमंत्री के रूप में काबिज है, जिसने, मैं कम लफ्ज़ों में कहूँ तो, राजनीति को जन सरोकारों से जोड़ा, ये बड़ी उपलब्धि है। मोदी जी का हम अभिनंदन करते हैं, मोदी जी दीर्घायु हों। ये आज इस भावना के साथ इस प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ, आगाज हुआ है। वो बातें कहते हैं जिससे इस देश का, उनका वोट बैंक, अल्पसंख्यक मुस्लिम जो समुदाय वो राजी हो। हालांकि अब मुस्लिम भी उनके बहकावे में नहीं आने वाला, क्योंकि 55 वर्षों में उन्होंने ऐसी राजनीति कुछ दिया नहीं, इसलिए वो ऐसी बात करते हैं ताकि उनका बिखरता हुआ वोट बैंक वो थम जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अब तो ट्रिपल तलाक के बाद भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की अल्पसंख्यकों के प्रति नीतियाँ क्या, ये समझ गए होंगे। तो ये कुल मिलाकर इस तरीके का कि निराशा का भाव, निराशा के बयान, और वो यदि कहते हैं कि मैं कश्मीर के बच्चे में देशद्रोही हूँ, तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। दिमागी तौर पर तो पहले से देशद्रोही है, इस तरीके की नीतियाँ वो लागू करते रहे, तुष्टिकरण करते रहे, उन्होंने ठीक ही कहा, स्वीकारोक्ति है उनकी। आपकी नियुक्ति तो हो गई, अब टास्क फोर्स की जो औपचारिकता है वो कब तक मिलेगी, क्या साथ के बाद माने? नहीं है, ये जिम्मेवारी है और जिम्मेवारी के साथ चुनौती भी है, और स्वाभाविक तौर पर हम सनातन परंपरा के लोग हैं, इसलिए जो हमारी अपनी परंपरा है उसमें कोई अच्छा सा दिन देख के जैसे कार्यकर्ता सजेस्ट करेंगे उस दिन मैं अपना काम करूँगा। देखिए, मैं मुझे लगता है कि मुहूर्त की वैसे आवश्यकता नहीं, कार्यकर्ता था अखबार बांटने से लेके, दरी बिछाने से लेके, टॉयलेट में खड़े होकर सफर करने से लेके, गोकुर्स में डंडे खाने से लेकर सारे काम किए, इसलिए कार्यकर्ता के रूप में तो काम कर रहा हूँ। जो टाइटल बदला है, खाली अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी हुई है, वो जब मुनासिब रहेगा आप जैसे किसी पंडित से। मुझे पूरा भरोसा है कि ये राजस्थान की सरकार दीनदयाल जी की जयंती आयोजित नहीं करेगी, लेकिन हम महात्मा गांधी जी का 25 में दीनदयाल जी के स्मारक को लेकर समिति बनी हुई है, उसमें अनेक सामाजिक किस्म के लोग हैं, वो समिति उस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, उसमें माननीय राजनाथ सिंह जी आएंगे, और एक पैतृक संगठन के नाते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी ढांडक्या में दीनदयाल जी के स्मारक को देखने जाएंगे, उस कार्यक्रम में शिरकत। भाई साहब एक प्रश्न है कि जो कानून व्यवस्था राज्य की है वो चरमरा गई है, तो भाजपा का क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, विपक्ष में होने के नाते कैसे दबाव बनाएगी सरकार पर, आपकी क्या योजना? देखिए, हमने कोशिश तो भरपूर करी है सदन में भी और सड़क पर भी, लेकिन ये सरकार इतनी नकटी है कि इसको इस प्रदेश की सुरक्षा की कतई चिंता नहीं है। हमने गवर्नर साहब को ये गुहार लगाई थी 13 अगस्त को, और ये कहा था कि ये सरकार, और उस 13 अगस्त के बाद फिर घटना हो गई, बैरोड में थाना लूट गया, AK-47 चल के और लॉकअप से अपराधी को ले गए, गैंग रेप जो थानागाजी में, उससे लेके एक फहरिस्त है लंबी सी, अपराधों में पिछले 10 महीनों में जो बढ़ोतरी हुई है वो चिंताजनक है। राजस्थान नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से हिंदुस्तान के 10 सबसे ज़्यादा अपराध ग्रस्त राज्यों में शुमार हो गया, तो ये कांग्रेस की उपलब्धि कही जा सकती है, लेकिन हमारी चिंता है राजस्थान की जनता को सुरक्षा को लेकर। तो निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे, दबाव बनाएंगे कि सरकार इस कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निश्चित रूप से कोई न कोई कड़े कदम उठाएंगे।